हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ऐसे ही एक वीडियो लेकर आए हैं अपन आज फिर से आपके लिए। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी से रिलेटेड वीडियो है। तो इससे रिलेटेड दो वीडियो अपन पहले बना चुके हैं, ये उसका थर्ड पार्ट है। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होता है, उसके बाद जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया था। जो आज का वीडियो है वो अपन पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, यानी कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि जो विशेष समाकलन है वो क्या होगा, उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे और उसका यूज करके अपन क्वेश्चन कैसे सोल्व करने वाले हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होती है, ये हमारी क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था जब आपके पास क्यू एक्स इक्वल्स टू क्या हो, जीरो दे रखा हो, यानी कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो, जब जीरो हो। यदि क्यू एक्स की वैल्यू आपको जीरो दे रखी है तो उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, उसका हम उसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि जब क्यू एक्स का मान आपको क्या दे रखा हो, जीरो दे रखा हो, उस कंडीशन में आप उस निकालोगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अब अपन ये तो था इक्वल्स टू जीरो पर, यदि आपके पास क्या आ जाए, जो क्यू एक्स का मान है यानी कि जो क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, नॉट इक्वल जीरो, यानी कि जब क्यू एक्स है जो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल जीरो, यदि ये नॉट इक्वल जीरो है तो उस कंडीशन में क्या निकलेगा, इसका विशिष्ट समाकलन यानी कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कब निकलेगा, जब क्यू एक्स का वैल्यू क्या दे रखी हो, नॉट इक्वल जीरो। यदि इक्वल जीरो है उस कंडीशन में क्या निकालोगे, पूरक हल यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और नॉट इक्वल जीरो है तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगी, एक नॉन होमोजीनियस पार्ट, ये क्या होता है आपका, एक नॉन होमोजीनियस पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, यानी कि हमें दे रखा है जो क्यू एक्स है वो नॉट इक्वल जीरो हो, ये क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। ठीक है, एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। अब अगर हमें निकालना हो क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो नॉट इक्वल जीरो, और यदि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हो तो ये क्या होता है, जीरो। लेकिन इस कंडीशन में क्या दे रखा है, क्यू ऑफ एक्स जो है वो क्या है, नॉट इक्वल जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी। ये किसके लिए है, ये है हमारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, ये क्या जाएगा आपका, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, कब, जब क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल क्या दे रखा हो आपको, जीरो दे रखा हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक व्यापक हल, व्यापक हल क्या हो जाएगा, व्यापक हल होता है आपका वाई इक्वल्स टू एफ सी एफ प्लस पी आई। जो व्यापक हल हो जाएगा यानी कि जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन कैसे सोल्व होगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा सी ऑफ, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड कर देंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल को, यानी कि जो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई, यानी कि पहले हम क्वेश्चन का सी एफ निकालेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन का क्या निकालोगे, पी आई निकालोगे, उन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, वो क्या हो जाएगा आपका, जनरल सॉल्यूशन। अब हम जो ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसके कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं। देखिए कब निकलेगा, वाई इक्वल्स टू वाई इक्वल वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहला केस क्या हो जाएगा इसका, आपको दे रखा हो क्या, इफ एफ ऑफ डी क्या दे रखा हो, डी हो, एफ ऑफ डी किसके इक्वल हो, डी के इक्वल हो, एफ ऑफ डी के इक्वल है तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन डी क्यू एक्स। जब आपके पास यदि एफ ऑफ डी की वैल्यू कितनी है, डी दे रखी है, तब इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे फॉर्मूले के अंदर तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन डी और क्यू एक्स। अब देखो इसके अंदर वन अपॉन डी का मतलब क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन करना, तो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स डी एक्स।
यदि आपको कहीं भी 1/d(qx) की कंडीशन आती है तो उसका डायरेक्ट क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे। कब? केस फर्स्ट में, जब हमें एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या दे रखी हो, डी, तब हम उस क्या कर देंगे उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ये केस फर्स्ट हो गया। अब देखो केस सेकंड क्या हो जाएगा। केस सेकंड, केस सेकंड के अंदर आपको दे रखा हो एफ ऑफ डी इक्वल्स टू डी माइनस अल्फा। यदि आपके पास एफ ऑफ डी कितना है, डी माइनस अल्फा की फॉर्म में है, तब आप क्या करोगे, उसको वैल्यू पुट कर दो इसकी, वाई इक्वल्स टू 1/d माइनस अल्फा और क्यू ऑफ एक्स, डी माइनस अल्फा क्यू ऑफ एक्स। अब आप इसको लिख सॉल्व कर सकते हो कैसे, ये इधर आ जाएगा डी ऑफ मल्टीप्लाई में डी माइनस अल्फा इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, डी का अर्थ डी अपॉन डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख देंगे, डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स माइनस अल्फा वाई इक्वल्स टू क्यू क्यू एक्स। ये क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर की रैखिक इक्वेशन आ गई। फर्स्ट ऑर्डर की रैखिक इक्वेशन आ गई तो इसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं, ई ऑफ वाई ऑफ अल्फा एक्स इक्वल्स टू माइनस अल्फा एक्स ई इंटीग्रेशन ई ऑफ माइनस अल्फा एक्स और क्यू एक्स डी एक्स। ये हो गया, इसको आप चेंज करोगे, ये हो जाएगा आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e ऑफ 1, ये आएगा आपके पास 1/ माइनस अल्फा x इंटीग्रल e की पावर माइनस अल्फा x क्यू एक्स एंड डी एक्स आ जाएगा। इसको आप कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हो, e की पावर अल्फा x e की पावर माइनस अल्फा x क्यू एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, तो जब क्या हो जाएगा, जब आपके पास f ऑफ d की वैल्यू आती है d माइनस अल्फा, तब f ऑफ d की वैल्यू आती है, तो डायरेक्ट इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आपके पास f ऑफ d आता है d माइनस अल्फा की फॉर्म में, तो आप करोगे क्या करोगे, e की पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा x एंड क्यू एक्स एंड डी एक्स। ये है आपका फॉर्मूला, कब, जब f ऑफ d इक्वल्स टू क्या आ जाए, डी माइनस अल्फा, या फिर आपकी थर्ड कंडीशन आ जाए, केस थर्ड ऐसा आ जाए, आपके पास एफ ऑफ डी दे रखा हो डी माइनस अल्फा, अल्फा वन डी माइनस अल्फा टू से लेकर समथिंग रिपीट हो जाए, तब उस कंडीशन में क्या करोगे, सबसे पहले हम निकालेंगे किसके लिए, अल्फा वन के लिए, उसके बाद सेम इसी पोजीशन में निकालेंगे अल्फा टू के लिए, फिर अल्फा थ्री के लिए, आपस में इनको क्या करते चलेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है ना, अब इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर टू माइनस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल फोर ई की पावर फोर एक्स। ये आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो क्यू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, क्यू एक्स आ गया ई की पावर फोर एक्स, जो कि क्या है, नॉट इक्वल जीरो, यानी कि क्या है, क्यू एक्स जो है नॉट इक्वल जीरो, यानी कि क्यू एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल तक इसको सोल्व करना है। तो क्यू एक्स इक्वल्स टू ई की पावर फोर एक्स। अब उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, जनरल सोल्यूशन के लिए पहले हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए एक बार हम इसको क्या मान लेते हैं, जीरो मान के चलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल तो होता है क्या, डी के। तो ये क्या हो जाएगा, डी की पावर टू माइनस फाइव डी प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। सी एफ निकालने के लिए हमने इसको मान लिया जीरो के इक्वल। ये क्या हो जाएगा, अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है, डी बराबर क्या रख देंगे, एम। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एम की पावर टू माइनस फाइव एम प्लस प्लस सिक्स इक्वल जीरो। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आना चाहिए और एड माइनस करने पर क्या आना चाहिए, फाइव। तो क्या हो जाएगा, एम का मान कितना आ जाएगा आपके पास, टू एंड थ्री, टू एंड थ्री मल्टीप्लाई में सिक्स और माइनस में फाइव, तो टू एंड थ्री। तो आपका सी एफ क्या हो जाएगा,
सी एफ हो जाएगा सी वन, एम वन की वैल्यू 2 है, एम और एम टू की वैल्यू 3, तो सी वन ई की पावर 2x प्लस सी टू ई की पावर 3x, ये दे रखे हैं। अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये कैसे किया है उसके बारे में पढ़ाया गया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक चेक कर लीजिए और वहाँ से उस वीडियो को पढ़ लेना। ये निकल गया हमारा सी एफ। अब हम बात करते हैं किसकी, पी आई की, यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब पी आई क्या आ जाएगा आपका, पी आई क्या दे रखा है हमें, दिस एफ ऑफ डी की वैल्यू कितनी, यानी कि हमारे पास एफ ऑफ डी क्या है, एफ ऑफ डी हो गया आपके पास डी स्केयर माइनस 5d प्लस का 6। फॉर्मूला क्या था पी आई का, वाई बराबर क्या था, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू एक्स, यही था, वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन डी स्केयर माइनस का 5d प्लस का 6 इंटू में क्यू एक्स कितना है, क्यू एक्स की वैल्यू आपको e की पावर 4x दे रखी थी, ये हो जाएगी e की पावर 4x। अब इसके फैक्टर किए थे हमने, फैक्टर से पहले हम इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन डी की पावर 2 और 3 थे डी माइनस 2 और डी माइनस 3 इंटू में ई की पावर 4x, इतना आ गया समझ। अब देखो 1 अपॉन डी माइनस 2 एंड 1 एंड डी माइनस 3, ये इसको सोल्व करने का आंशिक भिन्न हो गया ना, ये आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न को सोल्व करने का तरीका सबने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी देख लो, मैं बता देती हूँ आपको कैसे सोल्व करना है। देखो क्या करोगे, a अपॉन हम मान लेते हैं d माइनस 2 प्लस b अपॉन d माइनस 3 इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन d माइनस एज इट इज इक्वल में इसको रख दो 2 एंड d माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा d माइनस 3 और b से मल्टीप्लाई हो जाएगा d माइनस 2 इक्वल में 1 अपॉन, इनका एलसीएम लेके किया हमने ये सब, यहाँ हो जाएगा d माइनस 2 एंड d माइनस 3, क्रॉस आउट कैंसिल आउट हो गए। अब बचेगा क्या है, d माइनस 3 और d माइनस 2। एक बार हम क्या करेंगे, इस पूरे को जीरो करेंगे, दूसरी बार इसको जीरो करोगे। जब आप हाँ आपको इस पार्ट को जीरो करना है तो d की वैल्यू हम ऐसे क्या पुट करें कि आपके पास ये पूरा जी हो जाए, d तो d की जगह हम एक बार क्या रख देंगे 3। जब d की जगह आप 3 रखोगे तो आपके पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यहाँ रखा, 3 में से 2 माइनस हो गया तो 1 बचा, तो आपके पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। उसके बाद जब हम इस पार्ट को जीरो करना है तो हम d की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, तो d बराबर 2 रखोगे तो 2 रखेंगे, माइनस 3 है तो क्या बचेगा, माइनस का 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a बराबर माइनस का 1, इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसकी जरूरत पड़ेगी ऊपर लिख लेते हैं, पर c है, सी एफ आपका सी वन ई की पावर 2x प्लस सी टू ई की पावर 3x, इतना हो गया। अब वैल्यू रखी हमने b का मान 1 है तो b पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, तो इसको बाद में रख लो, उसको पहले रख लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन d माइनस 3 माइनस 1 अपॉन d माइनस 2 इंटू में क्या है, e की पावर 4x, ये दिया। अब मैंने क्या बताया था आपको, जब आपके पास d माइनस अल्फा की फॉर्म आती है तो हमारा फॉर्मूला क्या था, जब d माइनस अल्फा की फॉर्म आती है तो फॉर्मूला हो जाएगी e की पावर अल्फा x इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा x और qx dx, यही था। तो अल्फा का मान हमारे पास कितना, अब इसको एक बार ऐसे लिख लो, 1 अपॉन d माइनस 3 इंटू 4x माइनस 1 अपॉन d माइनस 2 इंटू 4x, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 3, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फा x है तो 3x इंटू e की पावर 3x इंटू 4x और dx, माइनस यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, तो ये जब e की पावर 2x इंटीग्रल e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर 4x और dx, आगे जा समझ। अब देखो क्या करना आप सबको, जब बेस जो है एक सेम होता है तो जो पावर होती है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगी, e की पावर 3x इंटीग्रल e की पावर, ये माइनस था सॉरी, तो माइनस और प्लस एक बच जाएगा x dx माइनस e की पावर 2x
इंटीग्रल, यहाँ 4 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो क्या बचेगा, e की पावर पॉजिटिव 2x dx। अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करोगे एज इट इज इंटू ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 ई की पावर 2x ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा ई की पावर 4x माइनस ये क्या हो जाएगा ई की पावर 4x अपॉन 2, मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो हो जाएगा 2 ई की पावर 4x माइनस ई की पावर 4x अपॉन 2, हमारे पास क्या आ गया, क्या बच गया, 1/2 ई की पावर 4x। आपके पास पी आई का मान क्या आ गया, ई की पावर 4x, ई आई का मान आ गया ई की पावर 4x। दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, एक मिनट इसको हटा लेती हूँ। क्या कहाँ, यहाँ तक दिख रहा है, ये यहाँ तक दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा नीचे वाला, चलो इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पे, तो अब इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा e की पावर 4x माइनस e की पावर 4x अपॉन 2, इनका एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा 2 e की पावर 4x माइनस e की पावर 4x अपॉन 2, क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 1/2 पॉजिटिव e की पावर 4x। ये क्या आ गया आपका पी आई, यानी कि हमारे पास पी आई कितना आ गया, e की पावर 4x अपॉन 2। ठीक है, अब हम निकालना वाई की वैल्यू, यानी जनरल सॉल्यूशन, जो जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा अपना, पी आई एंड पी आई प्लस सी एफ। तो पी आई आपका क्या, e की पावर 4x अपॉन 2, और जो सी एफ था क्या था हमारा, सी वन e की पावर 2x प्लस सी टू e की पावर 3x। क्या कर देंगे, हम दोनों को ऐड करके लिख देंगे, ये क्या आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि सबके सब अच्छे से पढ़ाई कर सके और वीडियो को